नमस्कार दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। आइए आपको आज एक पाकिस्तान की डिबेट दिखाते हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें कर रहा है, इधर उधर की बातें, दूसरे देशों की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बातें कर रहा है, जबकि उनकी खुद की पॉलिसी क्या है किसी को पता ही नहीं है। ये खुद नहीं जानते, उनका फॉरेन मिनिस्टर खुद नहीं जानता कि उसको करना क्या है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं एक बहुत ही कॉमेडी भरी वीडियो शाह महमूद कुरैशी की, पाकिस्तान मीडिया से लिया हुआ एक वीडियो। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँ, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नेटो का मेंबर भी है, ईयू का भी मेंबर बनने जा रहा है, लेकिन अभी अफगानिस्तान में टर्की का जो रोल है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तुर्की, पाकिस्तान से किसी ने तुर्की को शक कह दिया हो कि आपको, हम आपको यहाँ पे तालिबान से कहेंगे कि आप काबुल एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी कर लें, मगर वो किसने कहा, खुदा जाने। तुर्की के जो मीडिया के लोग हैं वो कहते हैं, तो आपके लोगों ने कहा, मैं किसने कहा भाई, कहते हैं जी किसी ने कहा था जब कि हम दिलवा देंगे यार, हमारा तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे, और हम कहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जब एंड टाइम आया तो नहर वाले पुल तो बुला के तो तुर्की जो है अपनी जगह खड़े हैं। अच्छा, लेकिन तुर्की जो है वो तुर्की भी एक कमाल तहजीब और कमाल कौम, और आज के दिन भी उनकी वो जो आग लगी थी वहां पे, जो कि जिसके बारे में कभी इम्कान है कि वो शरारत थी, वो उनके जनूब तक फैली है। काबू नहीं आई, हफ्ता हो गया, पूरा हफ्ता हो गया, और वहां की इकोनॉमी को देखिए, यही होता है जब ये मजबूत मुल्कों के खिलाफ जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मुल्क ने लगाई है, लेकिन एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में या गैर रवायती जंगों में वो यही है कि सामने कोई आया नहीं, जंगलों में आग लगा दी, जो तुर्की ने खुद भी कहा कि ये जो है ये हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। और तुर्की इस वक्त जो है वो एक उभरती हुई मईशियत, उभरती हुई ताकत रीजन में, उसको दोबारा जो है, और कोविड फैला हुआ है, और साथ ही वहां पे आग लगा दी या लग गई, लेकिन चूंकि तुर्की ने खुद बात की कि आग लगाई गई है, तो इसलिए मैं उसी थ्योरी पे जा रहा हूं। तो तुर्की के साथ ताल्लुकात ईरान के, कोई ऐसा नहीं कि कोई खतरा हो बड़ा के कोई तुर्की और ईरान का मामला होगा, रशिया के साथ कोई इशू नहीं है, अफगानिस्तान के बारे में जो कंसर्न्स हैं, क्योंकि तालिबान का डेलीगेशन भी मिला जी। और इंडिया ने अपनी बेट लगाई हुई है सारी के सारी के अफगानिस्तान का रास्ता जो है वो वाया हमने चाबहार या वाया बंदरबासी जाना है। ये मैं नहीं समझता कि बीजेपी की हुकूमत और जो सैयद इब्राहिम रईसी के जो ख्यालात हैं इस्लाम के बारे में या और दीगर हवालों से, उसमें कहीं नरेंद्र मोदी फिट होते हैं, और खास तौर पे उस वक्त जबकि रशिया ने अफगानिस्तान से इंडिया को कहा है कि आप शरीक नहीं होंगे, चाइना जो है उसकी जंग हो रही है इंडिया, तो इस वक्त ईरान बिल्कुल, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिकन अपना प्रेशर बढ़ाने जा रहे हैं। ये जो वियना की टॉक्स थी, ये वियना की टॉक्स अचानक मुअत्तल हो गई थी, क्योंकि आयतुल्ला खामिनाई और सैयद इब्राहिम रईसी, इनका ख्याल ये था कि अमेरिका बहुत ज्यादा कंडीशंस लगा रहा है, बहुत ज्यादा कंडीशन, और अभी तक जो उनका जो उनकी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, अगर आप वो देखें, फिर मैं दोबारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज की उनकी आपको दिखाता हूं, वो ये कहते हैं कि ईरान के पास जो शहाब वन के नाम से मिसाइल हैं, अगर इसको हम बड़ा करके थोड़ा सा दिखा सकें इस नक्शे को, तो ये जो पूरा का पूरा एक दायरा है जिसमें जो 300 किलोमीटर का, इसको जरा थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा प्लीज, ये बड़ा, ये जो सबसे अंदर वाला दायरा है ये 300 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है, ईरान की सर, और ये जो है ये शाह वन है, फिर जो दूसरी लकीर है ये दूसरे उनके मिसाइल हैं जो कि शहाब टू के नाम से है, और फिर उसके बाद जो है वो ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन नुक्ते 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 नुक्ते, ये आप देखिए कहां तक जा रहा है, रूस ही, ये अभी इसके बारे में शाह थ्री के बारे में वो कहते हैं हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। सही। अच्छा, ये मिसाइल्स जो हैं इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि आयतुल्ला खामिनाई जो हैं रहबर और सैयद इब्राहिम रईसी और बाकी इनकलाब पासदारान इनकलाब बाकी लोगों का ये ख्याल था कि हसन रूहानी और जवाद जरीफ जो हैं वो बहुत ज्यादा नरमी दिखा रहे हैं मुजाकरात में। अच्छा, और तो इन्होंने ये कहा कि एक तो ये सैंक्शंस को हम नहीं मानेंगे, पाबंदियां हटाओ पहले, हाँ। दूसरी बात कि इस दौरान जो नुकसान हुआ है
उस नुकसान का अजाला करो। अच्छा अब लेकिन सवाल यह है कि मईशत सबसे बड़ा इशू है ईरान का कि मईशत कैसे ठीक होगी अगर वो मुआहदा नहीं होता और बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ, यानी अब कई महाजों पे ईरान ने इमर्ज, तो जो भी मुल्क ईरान को अफगानिस्तान के अंदर उलझाने की कोशिश करेगा वो इस वक्त मतलब इंडिया कर रहा है ना फातमी यून और ये, ईरान नहीं आएगा कभी इस चक्कर में नहीं आएगा। हां उनकी स्टेक्स बिल्कुल है अफगानिस्तान के अंदर, वो इसलिए हैं कि वहां पर जब पहले तालिबान आए तो तालिबान ने हजारा कम्युनिटी के साथ जुल्म किया और हजारा कम्युनिटी के साथ जुल्म किया और तशद्दुद हुआ और ये सारा और कत्लेआम हुआ जो भी हुआ, और वो शिया कम्युनिटी है। अब अगर तालिबान और ईरान के दरमियान इस बात पर मुफाहमत होती है कि वहां पर हजारा कम्युनिटी के साथ कोई मसला खराब मसला नहीं होगा तो तालिबान के साथ कोई इशू नहीं, बीच में कोई तीसरी पार्टी कूदती है उसको मॉनिटर करने के लिए ईरान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, सारे थर्ड पार्टी को तालिबान तो अक्सर कहते हैं ना कि हमने नहीं किया, अगर उन्होंने किया है तो भी वो मतलब उसे पूछताछ होगी, अगर नहीं किया तो भी होगी। असल जो बात है वो ये कि अफगानिस्तान में सीज फायर लाजिम है, सीज फायर। और मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि अगर इंडिया को भारत को वो शामिल किसी मरले पर हो भी जाते हैं तो इसमें मतलब हमें कोई किसी किस्म का किसी मुल्क को इतराज नहीं होना चाहिए पाकिस्तान समेत, क्योंकि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के बारे में हमेशा एक आइडिया रहा है कि पाकिस्तान वो ये रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने इस्तेमाल की है, तो अगर वो सरजमीन इस्तेमाल नहीं होती और वहां पर अमन के लिए आगे बढ़ते हैं मुल्क सारे, पाकिस्तान भी, भारत भी, तुर्की भी, ईरान भी, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन मसला यह है कि ईरान जो इंडिया है उसके अभी भी आप आ जाएं तो वो एक तो बन गया ना उनका डैम बन गया, ठीक है सलमा डैम, एक पार्लियामेंट हाउस बन गई, एक कोई सड़क बन गई, उससे हटके जितना उनका अफगानिस्तान में दिलचस्पी है वो पाकिस्तान से मुतालिक है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये कर दिया जाए, वो कर दिया, फ्लां कर दिया। साथ ही वो उनके जहन में होता है मेमरीज के अंदर कि वो जो जहाज एक अगवा हो गया था, वो जहाज अगवा होकर कंधार उतरा था, अफगानिस्तान में लैंड हुआ था, तालिबान की हुकूमत थी उस वक्त। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान को तो रखे ना साइड पे, आप पाकिस्तान को बिल्कुल पीछे कर दें। मुझे ये बताएं कि बीबीसी जो लीड लगा रहे हैं कि वहां पे मिलिटेंट्स बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं हम, क्यों 370 आर्टिकल 370 कश्मीर की बात, जहां पर आप जुल्म करेंगे, बिल्कुल जहां पर आप जुल्म करेंगे वहां शिद्दत पसंदी बढ़ेगी उस माशरे में, उस सोसाइटी। ये भूल जाएंगे आप जेल बना के रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं हुआ, लेकिन दो साल गुजर गए कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं, कश्मीरियों के से ज्यादा वो मुस्तकबिल की नस्लें हैं, नौजवान हैं, बच्चे बच्चियां और यकीनन वहां से रिएक्शन आएगा, तो एलर्जी होगी अगर हालात अफगानिस्तान में खराब होते हैं। देखिए अफगानिस्तान के हालात तो खराब ही हैं और अल्लाह खैर करे कि मजीद खराब ना हो, लेकिन बात सारी यह है कि जो बात मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि जो भी कुछ हो रहा है ये बड़ी ताकतों की के छतरी तले हो रहा है। यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जी वो अमेरिका अचानक कहे कि जी ये वायलेशन हो रही है, वो हो रही है, जो कुछ हो रहा है और पीस प्रोसेस चल रहा है और आगे एक्सटेंडेड ट्रायका की मीटिंग पाकिस्तान को बुलाया गया है उसमें, और ईरान की तरफ से अब देखना यह है कि ईरान की क्या पॉलिसी होती है आने वाले दिनों में। अमेरिका के अंदर एक तश्वीश है बहुत ज्यादा और इसराइल में भी तश्वीश है क्योंकि जो सैयद इब्राहिम रईसी हैं उनके ख्यालात, और बहुत सारी देखें मैंने तुर्की के बारे से बात की ना, जैसे हिजबुल्ला हमास ईरान के भी करीब है लेकिन तुर्की ने आप देखें ना हमास के जो कायदीन थे उनको उन्होंने नेशनैलिटी दी थी उस वक्त, तो तुर्की का भी इंफ्लुएंस है, ईरान का भी है। यह आप असल जो इशू है वो ये है कि ईरान आने वाले दिनों में किस तरह इमर्ज होता है। दोबारा सैयद इब्राहिम रईसी यूएई के तरफ से उनको मुबारकबाद दी गई है, सऊदी अरब की तरफ से मुबारकबाद दी गई है, पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया, बाकी सारी दुनिया की तरफ से मुबारकबादें आ रही हैं, हमारी भी नई ख्वाहिशात उनके साथ हैं। लेकिन ये चूंकि बॉर्डर सारे बॉर्डर आपस में मिलते हैं, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, ईरान के, तुर्की के, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान के, तो अब देखना ही है। और फिर अरब ममालिक जो है वो जिनको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का नाम देते हैं ईरान में, वो किस तरह से इन मामलात को देखते हैं, ये ईरान के मजबूत तरीन सदूर में से एक होंगे क्योंकि ये बिल्कुल आयतुल्ला खामेनाई के एक तो करीब हैं
और दूसरा ये कि इनको मुस्तकबिल का रहबर भी कहा जा रहा है। और ये वलायत फकीह का जो तसव्वुर है, जो आयतुल्ला खुमैनी ने जिसको अरसर नौ जिसको नाफिज किया, वो यही है कि जो इमाम गायब हैं, बारहवें इमाम, जब तक वो गैबत कुबरा में हैं तो उनकी जगह जो एक ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा शख्स जो कि अमूर रियासत पे, अलूम पे, तमाम जिनसे लोग रबता, उनके थ्रू इमाम के साथ रबते में रहे, तो ये एक आप समझें कि इस वक्त कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरशेड मूवमेंट है हिस्ट्री में कि ईरान में नए सदर आए 8 साल के लिए, जो कि अगले रहबर भी हो सकते हैं, और ये उस वक्त आए जब मुख्तलिफ जगहों पर, यानी दुनिया तब्दील हो रही है, दुनिया चेंज